بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما انا رحمت مهدات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لو محبت نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सैयदी या रसूल अल्लाह पढ़ो सारे आबाब मोहब्बत नाल अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सैयदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या शफीअल मुज़निबीन या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासियल करामी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी रब्बिश्राली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली वसल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आली व असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। साईं दे कदमा दे जर्रे बदरोई लाल बन गए, साईं दे कदमा दे जर्रे बदरोई लाल बन गए, कदमा नू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए, ओ कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। जिस जिस ते पैया नजरा मेरे हबीब दिया, ओ मेरे हबीब दिया जग दे तबीब दिया, कई ते उवैस बन गए ते कई बिलाल बन गए, ओ कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। इंतहाई इज्जत और तकरीम दे लायक सादात इकराम, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो शहजादे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले पाक के यहाँ मौजूद हैं, मैं इंतहाई अदब के साथ उनकी खिदमत में खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला फ़कीर दी हाज़री सब दी हाज़री कबूल मंजूर फरमाया। दोस्तों अलामा साहब किबला मोहम्मद शुएब साहब ने मैंने हुक्म फरमाया फ़कीर हाजिर है, मैं यकीन जानो बड़ी शर्म महसूस कर रहा हूँ जो मेरे बारे च इन्हें फरमाया, मैं दीन दे अदना जाए तालिब इल्म होमन दी हसीयत नाल हाजिर हाँ। अल्लाह ताला दी पाक बारगाह दुआ है कि रब ताला फकीर दी हाजरी कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। हजूर वाला अल्लाह ताला ने कुरान करीम दे अंदर दीगर अंबियाए किराम अलैहि सलातु वस्सलाम दी आमद और उन्होंने बेसत कुरान पाक च ऐलान कई जगह पर फरमाया, जिक्र किया उन्होंने आमद और बेसत में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत का भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक जिक्र किया। बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ा दीनी इदारा है, तलबाए किराम भी मौजूद हैं। दोस्तों बाकी नबिया की आमद और बेसत के ऐलान और जिक्र जिहड़े कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया उन्होंने एक अंदाज, मैं कुरान पाक चो दो त्रै मिसालां तुहाडी खिदमत च पेश करदा। मसलन अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम दा तज़किरा कीता, उन्हां दी आमद और बेसत दा तज़किरा कीता, तो कुरान पाक च इरशाद फरमाया व इला मदयाना अखाहुम शुएबा, असां आले मदियन दी तरफ उन्हां दे हम कौम
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मबूस फरमाया। इयो अंदाज हजरत सैयदना साले अलैहिस्सलाम दे तज़किरे विच मौजूद है। व इला समूदा अखाहुम साले, कौम समूद की तरफ उन्होंने हम कौम हजरत साले अलैहिस्सलाम ने मबूस फरमाया। इयो अंदाज हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की बेसत दे ऐलान विच मौजूद है। व इला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरफ उन्होंने हम कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने असा मबूस फरमाया। एक और मकाम ते अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कर दिया होया कलमा अख जिक्र किया। कज़बत कौम नूहिन المرسلين इज़ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों नू जुटलाया जदों उन्होंने हम कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्होंने फरमाया कि क्या तुसी अल्लाह को डरते नहीं। अर्ज करने का मतलब ये कि अंदाजे बयान दीगर नबियां दी आमद और बेसतदा और उन्हों का तजकरा एक अंदाज रखता है और तमाम नबियां दे तजकरे विच कौम नाल जिहड़ा उन्हों का ताल्लुक अल्लाह पाक ने बयान किया उहदे विच अख दा कलमा अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया। ये कुरान पाक दियां मैं तुहानू चंद मिसालां पेश कीतियां। हर तजकरे के अंदर कलमा अख मौजूद है। अख का लुगवी माना भाई होंदा है, हम कौम के माना विच कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम नू उन्हां दी कौम दी तरफ, हजरत साले अलैहिस्सलाम नू उन्हां दी कौम दी तरफ, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हां दी कौम दी तरफ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नू उन्हां दी कौम दी तरफ। अख दे कलमे दे नाल अल्लाह तबारक व ताला ने दीगर नबियां दा अपनियां कौमां दे नाल ताल्लुक कुराने पाक च बयान फरमाया। लेकिन हजरात मोहतरम अलहमद दी अलिफ तो लैके वन्नास दी सीन तक तुसी कुरान सारा पढ़ लो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक किसी एक जगह पर भी नहीं फरमाया कि वा इला आले मक्का ता अखाहुम मुहम्मद, कि ऐसा आले मक्का की तरफ उन्होंने हम कौम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबूस फरमाया। या सरकार दे मदीना का जिक्र करदे हो अल्लाह ने फरमाया होवे कि मदीना की तरफ या आले मदीना की तरफ उन्होंने हम कौम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असा मबूस फरमाया। नबी पाक दे आमद और बेसत दे जिक्र और हजूर का कौम नाल और उम्मत नाल ताल्लुक बयान करदे हां अल्लाह ने एक जगह पर भी कुरान पाक लफ्ज़ अख जिक्र नहीं किया। अख दे कलमे नाल नबी पाक का कौम और उम्मत नाल ताल्लुक नहीं बयान फरमाया। सरकार दे बारे विच जदों अल्लाह ताला ने हुजूर दी आमद और बेसत दा ऐलान किया है तो किसे जगह पर अल्लाह फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सुभान अल्लाह। किसे जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अन नबीयो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, किसे जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, और किसे जगह पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहिमा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। सवाल ये पैदा होंदा है कि हजूर का ताल्लुक उम्मत नाल सरकार दी आमद और बेसत का ऐलान अल्लाह ने कलमा अख दे नाल क्यों नहीं जिक्र फरमाया जबकि दीगर अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम दी आमद और बेसत दे तज़किरे दे अंदर एक कलमा अख मुश्तरक तौर पर अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है। लेकिन हजूर दी आमद और सरकार दा ताल्लुक उम्मत नाल बयान करदियां अल्लाह पाक ने इस कलमे नूं इस्तेमाल नहीं फरमाया। तो गिरामी कदर हज़रात साढ़े उलमाए किराम इहदा जवाब देंदे न, उलमा इरशाद फरमांदे न कि अख दा चूंकि असल माना है भाई तो अल्लाह ताला ने दीगर नबियां दे नाल कौम दे नाल अपने नबियां दा ताल्लुक बयान करदियां इस बात की तरफ इशारा किया है कि जिस तरह भाई का रिश्ता भाई वास्ते फायदामंद भी आंदा है, सूदमंद भी आंदा है, नफामंद भी आंदा है और बहुत अजीम रिश्ता है और इतना अजीम रिश्ता है कि साड़ी सरेकी च एक मुहावरा बोलिया जाता है भाई भिरा भिरावां दी कमर का जोर आंदे न। और ये कुराने पाक का दिता हुआ फलसफा है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार जांदिया अर्ज की आई रब की बारगाह च कि मेरा भिरा हारून भी मेरे नाल भेज उश दुद बेही अजरी ताकि भाई दे नाम आवन नाल मेरी कमर मजबूत हो जाए। सुभान, समझ आई। तो एक कमर दी
मजबूती का बायस है, कंधिया की मजबूती का बायस है, बड़ा अजीम रिश्ता है। लेकिन इसके बावजूद भिरावां कोलों भिरावां नूं नुकसान भी हो जांदे ने, भिरा भिरावां दा नुकसान भी कर बैठदे ने। मुसलमानों असी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया से यह खबर रोजाना पढ़ते भी हैं तो सुनते भी हैं कि भिरा ने भिरा की जायदाद मार ली, भिरा ने भिरा नूं वैसे जान तो खत्म कर दिता। यानी जितना मुकद्दस रिश्ता है, जितना अजीम रिश्ता है, इस रिश्ते तू भी नुकसान पहुँचण का अंदेशा है। और मुसलमानों यही वजह है कि जिसले कौमां ने नबियां का इनकार किया दुनिया ते आमद तो बाद और उना दी तबरीक और उना दे पैगाम पहुँचावन तो बाद जदा कौमा उना दा इनकार किया तो अल्लाह पाक ने फिर उना नबियां दे जरिए उना नु नुकसान भी पहुँचाया। दुनिया दे उत्ते इज तमाई अजाब दा निशाना बन के कौमा दियां कौमा हलाक हो गई। तो जिथे अख दा ताल्लुक आई तो चूंकि भाई दे ताल्लुक विच भाई दे रिश्ते दे ताल्लुक विच फायदा भी होंदा है और नुकसान भी उठाया जा सकता है। अगरचे उस नुकसान उठावण विच किरदार सारा कौमा दा, लेकिन नबियां दे इनकार की वजह तो साले अलैह सलाम की कौम भी हलाक हुई, शुएब अलैह सलाम की कौम भी हलाक हुई, हजरत लूत अलैह सलाम की कौम भी हलाक हुई, हजरत नूह अलैह सलाम की कौम भी हलाक हुई। इज तमाई हलाकत का निशाना बन के अल्लाह अकबर मुसलमानों सफ़े हस्ती तू मिट गई। लेकिन जिथे अख का ताल्लुक कोई नहीं, बल्कि जिथे ताल्लुक आई लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तो उत्थे बावजूद मुतालबा अजाब दे काफरा अजाब का मुतालबा भी किया, नबी पाक नूं झुटला के उसके बावजूद भी अजाब ना आया। उसकी वजह यह आई कि इत्थे अख वाला ताल्लुक नहीं, इत्थे ये ताल्लुक आई कि कमली वाला कायनात च इन तशरीफ ले आया जिवें किसी बदन विच रूह तशरीफ ले आंदी है। सुभान अल्लाह अकबर। तो हजूरे वाला जिथे अख दे कलमे नाल अल्लाह ताला ने ताल्लुक बयान फरमाया उत्थे कौमा इनकार दी वजह तो इज तमाई अजाब दा निशाना बन दिया रही। और जिथे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लकद जाकुम, जिदी आमद ते अल्लाह पाक इरशाद फरमाया लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक अलबत्ता तशरीफ ले आए तुहाडे कोलों तुहाडे विच्चों अजमत वाले रसूल। मुसलमानों तीन तर्जमे साडे उलमा ने इस कलमे दे इरशाद फरमाए। ये पहला तर्जमा है जिहड़ा मशहूर तर्जमा उलमा कीता, तहकीक तुहाडे कोलों तशरीफ ले आए, अजमत वाले रसूल तुहाडे विच्चों तशरीफ ले आए। दूजा तर्जमा उलमाए किराम ने कीता लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ओ रसूल तुहाडे कोलों तशरीफ ले आए जिहड़ा लोगां दी नफीस तरीन जमात विच्चों आए। उस वक्त कायनात च उहनां दे नाल दे लोग हन कोई ना जिन्हां दे विच मुहम्मद आया, यानी कमली वाले दा खानदान, नबी पाक अलैहि सलाम दे मां बाप, हजूर अलैहि सलातु वस्सलाम दे घर नूं अल्लाह पाक ने उहनां दी पाकीज़गी और नफासत दा बयान करदे होया इरशाद फरमाया सब तो आला तरीन बंदियां विच, आला तरीन जमात विच, आला तरीन खानदान विच मुहम्मद करीम अलैहि सलाम तशरीफ ले आए। ये दूसरा तर्जमा है। और तीसरा तर्जमा मौलाए कायनात अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मिननू तशबीह दे माने विच लैके एदा तर्जमा ये फरमाया, फरमाया कमजी नुफूसिकुम फी अबदानिकुम, मुहम्मद अलैहि सलाम तुहाडे विच इन तशरीफ ले आए जिवें बदना विच जान आ जांदी है। तो गिरामी कदरत भिरा दा रिश्ता बड़ा अजीम है, भिरा भिरावां दी कमर दा जोर होंदे ने। लेकिन ये बात
ते है के बिरावा दे वजूद अलग गोंदे ने, एक वजूद नहीं होंदा, खून अगर चे कोंदा है लेकिन वजूद दो होंदे ने, अलग अलग वजूद होंदे ने। ते मुसलमानों बदन विच जिहड़ा रूह नू कुर्ब होंदा है उत्थे ते जनाबे वाला बदन दे एक एक हिस्से दे अंदर रूह सिरायत कीती हुई होंदी है। तो मुसलमानों जिथे भाई वाला ताल्लुक आई, अख वाला ताल्लुक आई, उत्थे इनकार ते अजाब आया। ते जिथे बदन विच रूह वाला ताल्लुक आई, भावे अजाब मंगदे भी रहे मुड़ भी अजाब ना आया। फरमाया महबूब कोई रूह कोई जान ये चाहती नहीं कि मेरे बदन नू अजाब होवे, जान भी विच मौजूद होवे। सैयदना किबला आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस नू बयान करदिया फरमाया, इस सूरत नू मैं जाना खा। आखो सुभान अल्लाह। बदन विच रूह दी माने दे आका करीम दी आमद इस कायनात दे अंदर। तो किबला आलम सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने, इस सूरत नू मैं जाना खां, जाना खां के जाने जहाना खां, जाना खां के जाने जहाना आखा, ओ सच आखा तरब दे मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। अल्लाहु अकबर। कायनात विच हजूर दी आमद ने जिवें बदन विच रूह आ जाए ते मोमना नाल नबी पाक दा ताल्लुक किस तरह दा है। ईमान वाले सारी कायनात नाल हजूर दा ताल्लुक इन्ने जिवें बदन विच रूह आ जाए ते अपने गुलामा नाल नबी पाक दा ताल्लुक इन्ने। अल्लाह फरमाया अन्नबीउ औला बिल मोमिनीना मिन अन्फुसिहिम, मोमिन दी अपनी जान दा इतना मोमिन नाल ताल्लुक नहीं जितना मुहम्मद करीम दा अपने गुलाम नाल ताल्लुक है। अजीज़ुन अलैहिमान तुम तुसी मुशक्कत च पवो, मेरे महबूब नू गवारा नहीं, मेरे महबूब ते तुहाडा मुशक्कत च पैणा गिरां गुजरदा है। मुसलमानों ए अगला जुमला आयत दा हजरत मौला कायनात वाले माने दी ताईद करदा है कि रसूल कायनात च इन्ना है जिवें बदन विच जान आ जाए। ताइयों अल्लाह फरमा रहे हैं तुहानू मुशक्कत होवे तुसी तकलीफ विच होवो, मेरे रसूल नू है तुहाडी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। मुसलमानों पता चलिया बदन नू तकलीफ होवे रूह नू एहसास भी होंदा है, मुसलमानों रूह नू शऊर भी होंदा है, उनू पता भी होंदा है, ते बदन दी तकलीफ रूह बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी नस दे अंदर वाजे तौर ते ऐलान फरमाया, मुसलमानों कायनात च बसण वाले लोगो जिवें बदन दे किसे हिस्से नू तकलीफ होवे मेरे अल्लाहु अकबर रूह नू तकलीफ होंदी है, उहदा एहसास होंदा है, इदराक होंदा है। इसे तरह इस कायनात च मेरे महबूब दे गुलाम जिथे भी आबाद ने जिस जगह ते तकलीफ होवे मुहम्मद करीम नू पता भी चल जांदा है, उम्मत दी तकलीफ महबूब बर्दाश्त ही नहीं फरमांदे। हजूरे वाला लाहौर दे कालिम मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह आज तो 150 साल पहले दे एक हाल एक जमाना माजी करीब गुजरे। मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी बहुत बड़े आलेमान लेकिन इन्हों तो पहले पिछली सदी के अंदर अलामा मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह साहिब कुतुब कसीरा
अल्लाह अकबर खजीना तो लसफिया चारों सलासल दे बजुर्गान ने दीन ते इना बड़ी अजीम किताब लिखी औलिया अल्लाह दे तज़किरे दे उत्ते इनसाइक्लोपीडिया दी हैसियत रख दी है। ओदे विच आप फरमांदे ने शरकपुर शरीफ जिला शेखूपुरा दा ओ मकाम जिथे मियाँ शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा डेर है ओदे नाल एक जट दा मजार है जिदा नाम मुहम्मद सईद राजा रणजीत सिंह जिस दौर पंजाब विच सिखां दी हुकमरानी है उस दौर दी बात है। ओ मुहम्मद सईद नाम दा जट फैमिली नाल जट कौम नाल ताल्लुक रखण वाला बंदा आप बयान करेंदे कि असा जनाबे वाला अपने खेतां चों मंडी विच लाहौर दी मंडी विच सब्जियां लैके जाना ते जत्थियां दी शक्ल दे अंदर मुसलमानां ने काफलियां दी शक्ल विच जाना एक ता जंगली जानवरां दा डर दूसरा सिखां दी हुकमरानी और ए बड़ी डाढ़ी जई कौम है उन्हां दे हमलियां दा डर। ओ मुहम्मद सईद दा एक मौका ऐसा आया पोह दा महीना सर्दियां दा मौसम असी राती एक बजे अपने जनाब इलाके विचों बैल गाड़ियां दे उत्ते सब्जियां लोड करके लाहौर दी मंडी वास्ते सफर शुरू कीता। ओ दिन 7-8 किलोमीटर दा फासला तय कीता जंगल बयाबान बारिश ऐसता ऐसता जनाब रिम झिम लगी हुई। ओ मुहम्मद सईद आदे मेरा बैल एक जगह तू गुजरदिया होया पैर फिसलिया गिरिया ते ओदी सज्जी टंग अगे पहले वाली अगले पासे वाली टंग त्रुट गई बैल बह गया टुरन चलन दे काबिल कोई ना रहा। ओ संगी मेरे जड़े मेरे नाल टुरियान मेरे पिंड दे विचों शरकपुर शरीफ दे विचों ओ आदन मैं उन्होंने आख्या यार मेरे नाल कई करो मेरा तावन करो उन्हें आख्या तेरे नाल ते खुदा कीतीए असा तेरा इंतजार किवें करिए अल्लाह अकबर मंडी विच सब्जी भी पहुंचानी है जंगल दा मसला है। मुसलमानों कहंदा मेरे रोकण दे बावजूद ओ ना रुके मैनू जंगल छोड़ के टुर गए आदे मैं अकेला हैरान परेशान और बड़ा जनाबे वाला परेशानी दे अंदर खौफ दी कैफियत च मुबतला साथी छोड़ के टुर गए समझ ना आवे की करा इथे पवा घर जावा ता अकेला जे अगे जावा नडम बैल रेड़ी छोड़न दे काबिल ना किदाई आसे पासे जावन दे काबिल आदा मैं रेड़ी दे तले बैठ गया बारिश तू बचण वास्ते मैं सिलसिला कीता कहंदा सोच सोच के मैं किनू आवाज देवा रात अजे भी काफी पई हुई है रात मैं किवें बसर करे सा अदे अचानक मेरे ज़ेहन च ख्याल आया यार जिदा कलमा पढ़दा है उस नबी नू याद कर वेख सरकार तेरे ते किवें करम फरमांदे ने आदा मैं रेड़ी दे तले बैठ के मदीने पाक वल मूह कर के हजूर अलैह सलाम नू आवाज दिती ते मैं के अर्ज कीती सदा वसदा रवे तेरा दवारा या माशाल्लाह काफी तादाद च बैठे हो मोहब्बत नाल मिल के पढ़ लो ते मजा आ जाए गूंज जाए पै जाए मस्जिद मुहब्बत नाल पढ़ो सदा वसदा रवे तेरा दवारा सदा वसदा रवे तेरा दवाराया रसूल अल्लाह जिथे हो दे गरीबादा गुजाराया। बस मैं हजूर अलैह सलाम नू आवाज दिती ते मैं आख्या अलिफ आ सोना डोला साथ आओ कदाने तेरा रावो तकेंदे थके नैन नवाने अल्लाह
हक चल रहा है। मुफ्ती साहब आदन मुहम्मद सईद नाम दाओ बंदाद हुजूर अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच इस्तगासा पेश करके मैं रेड़ी दे तले बैठा होया चंद लम्मे गुजरन जो एक घोड़ा सवार आया नका पोड़िया होया हाथ चसाए आदन मेरे दिल दिया धड़कना तेज हो गई पता नहीं कौन है। फरमाते ने जदों करीब आया उन्हें सलाम फरमाया मैं जवाब दिता तसली हो गई मुसलमान उन्हें ला भाई ला नारा मेरे पुत्र ला शाबाश यार सुभान अल्लाह। हजूरे वाला तवज्जो फरमाइए घोड़ा सवार आया सलाम कीता आदन मैं जवाब दिता मेरे को ना पूछा बेटा क्यों परेशान है हजूर बैल दी टंग त्रुट गई है संगी छोड़ के जंगल च टुर गए जंगली जानवरां दा भी अंदेशा सिखां दे हमले दा भी अंदेशा परेशान फरमाया पुत्र केड़ी त्रुटी है मैं कजी सज्जे वाली अगली टंग उना सोटी लाई फरमाया बैल उठा आदन मैं बैल उठाया उसका टोर मैं टोरिया अल्लाह दी कसम इंज लग्या जिवें कदे त्रुटी कोई ना आई उसका मेरा पुत्र मैं तेरे नाल आ चल मैं तेनूं मंडी पहुंचावा। सुबह दियां अज़ानां दा टाइम होया शादरा मंडी पहुंच गए दरियाए रावी दे किनारे ते वो मुहम्मद सईद आंदा है उस घोड़ा सवार ने आख्या मेरा पुत्र मंडी विच आ गया हुण मैनू इजाजत दे मैं वापस जावा। हजरत मुहम्मद सईद आ दिन मैं दौड़ के घोड़े दी रकाब पकड़ ली मैं आख्या सोणिया जदा मैनू अपने छोड़ गए मेरे वसेबी छोड़ गए मेरे रिश्तेदार छोड़ गए उस मकाम ते मेरे कम आवन वाले आ मैं एवें जान नहीं देना मैनू दसो तो सही तुसी कौन हो अपना तारुफ कराओ तुहाडा नां की है। फरमाया मेरा पुत्र तेरा कम हो गया तैनू ना नाल की गरज है मैनू इजाजत दे मैं वापस जावा। मैं आखा किबला मैं जावन कोई नहीं देवना मैनू दसो तुहाडा की नाम है। कैदाबाद वाले हो सुनो अल्लाह दे पाक घर विच तशरीफ फरमाओ जदों कहंदा कि मैं मजबूर कीता ते उस घोड़े सवार ने आख्या मेरा पुत्र जे मजबूर करना है ते सुन मेरा नाम अलीउल मुर्तजा है। तू शरकपोर दे जंगल विच परेशान हो जदा तू रोया है ते मदीने पाक वल मुंह करके तू फरियाद कीती है सरकार अंबिया दी कचहरी विच औलिया दी कचहरी विच साहबा वाले बैत दी कचहरी विच बैठे हैं। नबी पाक फरमाया मेरे अली मेरा एक पुत्र है शरकपोर दे जंगल विच परेशान है ते ओदी तकलीफ मैनू गवारा नहीं वन मेरे अली वन के ओदे पैल दी टंग भी ठीक कर ओनू मंडी भी पहुंचा गया। अल्लाह दा कुरान इरशाद फरमांदा अजीज तुम उम्मती तकलीफ चोवे कमरी वाले नू गवारा नहीं मैं उत्थों आया बैल तेरा ठीक कीता तेनू मंडी पहुंचाया सईद नाम दा बंदा आदे मैं आख्या किबला तुसी भी आओ ते मैं मुड़ भी बैल कुटा इमाम औलिया तुहाडे आवण तू बाद भी जे मैं रेड़ियां चलानियां तां किबला हुण मैनू लाहौर दी मंडी विच नहीं मदीना पाक दी मंडी विच पहुंचाओ। महबूब दो जहां दा
ओ जिन ते नजर पवें महबूब दो जहादा ओ जिन ते नजर पवें हबशी हबश दे काले ओ चनवर के चा बने दे महबूब दो जहादा ओ जिन ते नजर अल्लाह हजूर वाला हदीस पाक में पढ़िए खुतबे दे अंदर नबी अलैहि सलाम फरमाया इन्नमा न रहमतुम मौदात मैं अल्लाह दी ओ रहमत जिहड़ी रब ने तुहानू बतौरे तोहफा ता फरमाई बतौरे हदिया ता फरमाई अल्लाह दी कसम कुर्बान जावा उलमाए आले सुन्नत तो अल्लाह करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमावे उन आलमां ते जिन्हां लोगां दी जिंदगी मुहम्मद मुस्तफा दी इज्जत व अजमत दा बयान करदियां गुजर गई। अलामा यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी रहमतुल्लाह अलैह जवाहिरुल बहार शरीफ दे अंदर फरमांदे ने मुसलमानों आप कहंदे ने एक होंदा है अतिया एक होंदा है हदिया अतिये ते हदिये विच फर्क होंदा है। अलामा निबहानी फरमांदे ने अल्लाह दे सारे नबी रब दा अतिया बन के कायनात चाहे ते साडा नबी रब दा हदिया बन के कायनात चाया और आप फरमांदे ने अतिये ते हदिये विच फर्क होंदा है अतिया उन्हां नूं दित्ता जांदा है जिहड़े मुस्तहिक होवन कैदाबाद दी सरजमीन ते तुसी जा रहे हो तुहानूं कोई मुस्तहिक नजर आया कमजोर अपाज नजर आया तुसी जेब विच हाथ पाया तुहाडा जानन वाला नहीं एक दिन दा वेख्या होया नहीं ताल्लुक कोई नहीं रहम दिल च पैदा होया तुसी जेब विच हाथ पा के उनू अतिया दिता अतिये वास्ते ताल्लुक दा होना जरूरी नहीं अतिये वास्ते जान पहचान दा होना जरूरी नहीं अतिये वास्ते मुस्तहक होना जरूरी है। बंदा माजूर होवे बंदा गरीब होवे बंदा अपाच होवे यतीम होवे मिसकीन होवे लोग अतिये दे देंदे एक दिन की जान पहचान नहीं आती लेकिन हदिये ते तोहफे उन्होंने दिते जांदे ने जिन्हां नाल प्यार होंदा है। अल्लाह दे सारे नबी कायनात विच रब दा अतिया बन के आए कमली वाला रब दा तोहफा बन के आया सुभान अल्लाह। मालूम होया इस सारी कायनात विचों उम्मत ही अल्लाह ताला नू प्यारे महबूब दी ज्यादा प्यारी लगी है ताइयों अल्लाह ने अपना महबूब सानू अता फरमाया अजीज़ुन अलैहिमानितुम तुहाडा मुशक्कत च पैना मेरे महबूब नू गवारा नहीं अगे फरमाया हरीसुन अलैकुम मेरा महबूब तुहाडे उत्ते हरीस है। मुसलमानों कोई माल दा हरीस कोई दौलत दा हरीस कोई जनाबे वाला पैसे दारीस कोई औलाद दा हरीस लेकिन सरकारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत ते हरीस ने उम्मत ते मेहरबान इतने ने कि अल्लाह पाक फरमाया मेरा महबूब अपनी उम्मत ते हरीस और एंड विच अल्लाह पाक ने खुदा दी कसम मेरे आका ते करम दी इंतहा फरमा दी फरमाया बिल मोमिनीन रऊफ रहीम मोमना वास्ते मेरा नबी रऊफ भी है ते रहीम भी है। सुभान अल्लाह सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद बिल मोमिनीन रऊफ रहीम मोमना ते मेरा महबूब रऊफ भी है ते रहीम भी है। ये ओ दो असमाए मुबारक ने जिहड़े पूरी कायनात विच अल्लाह ताला ने सिर्फ साडे आका करीम नूं अता फरमाए ने। ये इन्हां दो नामां दा इतलाक बगैर काली कमरी वाले आका दे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात दे अंदर किसे ते नहीं फरमाया। अगली आयत दी इब्तदा विच अल्लाह फरमाया फइन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह ऐ महबूब अगर तेरे तू मुंह फेरन
ता तुसी फरमा दियो कि मैनू अल्लाह काफी है। मुसलमानों बड़ी गौर तलब बात है, कमली वाले आका अलैहि सलातो व सलाम दिया अजमता बयान फरमा के, हजूर दिया शाना बयान फरमा के अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे हबीब अगर तुहाडे तो पीठ फेरन ते फिर तुसी फरमाओ कि मैनू अल्लाह काफी है। मुसलमानों अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलाम नू ए हुक्म दिता कि तुसी कहो कि मैनू अल्लाह काफी है, के मतलब फरमाया प्यारे हबीब तुहाडी अजमत ते शान तुहाडे मकाम और मरतबे दा प्रचार तुहाडी इज्जत दा झंडा बुलंद करने वाला मैं आ, पूरी कायनात विच मैं तुहानू किसे दा मोहताज नहीं बनाया, महबूबा तुहानू मैं काफी हाँ ते मैं उन्हां वास्ते काफी हाँ जिहड़े तुहाडे दरबार ते आंदे ने, तुहाडे बूवे ते आंदे ने ते जिहड़े तुहाडे काफी होवण दा कीता रखदे ने, मेरे कोलों भी फैज उन्हां नू ही मिलदा है ते जिहड़ा तुहानू छोड़ के मेरे वल आए ते प्यारे हबीब उन्हूं मेरी बारगाह विचों कुछ नहीं मिलदा, मेरा ओ ही है जिहड़ा तुहाडा गुलाम है। हजूरे वाला ये रावलपिंडी में ना गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज है, ये लियाकत बाग के बिल्कुल सामने, क्या में पाकिस्तान से पहले ये कॉलेज बनाया गया और इस कॉलेज का नाम पहले प्रिंसिपल दे नाम ते रखा गया, उस प्रिंसिपल का नाम आई प्रोफेसर गार्डन। और उस वक्त चूंकि अंग्रेजों की गवर्नमेंट आई तो लंदन ही चू मंगवाया गया ते वो कॉलेज इंतजामिया की मीटिंग हुई, उस वक्त हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की वंड की तारीख चली हुई आई इस बरे सगीर पाको हिंद के अंदर। तो रावल पिंडी सदर के इलाके च एक होटल है फ्रेशमैन होटल, उत्थे कॉलेज इंतजामिया की मीटिंग हुई तो खाने के टेबल से जो प्रोफेसर हजरात लैक्चरार जमा हुए ना तो उस वक्त की सियासी क्यादत के हवाले नाल गल छिड़ पई बई तुहाडा आइडियल कौन है, तो किसी ने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, किसी ने हजरत अलामा इकबाल का नाम लिया, किसी ने किसी होर लीडर का, किसी गांधी का नाम चाया, लेकिन उस प्रिंसिपल ने बास च हिस्सा ना लिया। उहदे कोल प्रोफेसर पूछया बई तेरा भी कोई आइडियल है, उस कहा हाँ मेरा भी एक आइडियल है, लेकिन वह कोई कायद नहीं, वह कोई लीडर नहीं, रावल पिंडी दियां सड़कां ते भीख मंगण वाला एक फकीर, पी एच डी सकालर दी जबानी जदों फकीर दा तज़करा उन्हां सुनिया कि ये आइडियल है मेरा तो हैरान हो गए कि मंगण वाला शोबे नाल तलक रखण वाला बंदा वो तो मुआशरे की नज़र वैसे हकीर समझिया जाता है तो तू पी एच डी सकालर होके उस मंगत का नाम लै रहे हैं कि मेरा आइडियल है, वो सका मैंने उस एक सोच दिती है, एक फिक्र दिती है मेरे जेन और मेरे दिल की दुनिया जो से इनकलाब बरपा किया है, इस वास्ते मैं उसनु अपना आइडियल समझना। उन्हें का किवें हो सका मेरे कॉलेज के दफ्तर के सामने गुजरने वाला फकीर कदे कदे मेरे दफ्तर आके मेरे नाल सलाम दुआ हैलो आए कर दे और वो ये जान दे मेरे बारे कि मैं उर्दू बोल लेना, समझ भी लेना, कलाम भी कर लेना। कल की बात है मैं लियाकत बाग, जो उसले दा नाम लियाकत बाग कोई नहीं, ये पाकिस्तान बनन तो बाद इस बाग का नाम लियाकत बाग बनया। तो उस ग्राउंड च मैं सैर करन वास्ते निकलिया चहल कदमी वास्ते, असर का टाइम आई 4 बजे का, ये फकीर मेरे पिछू आया तो मेरे पिछू आके इस मैनू 5 मरतबा हजरत ईसा का नाम लैके मेरे को खैरात मंगी है, तो मैंने आख्या हजरत यसू मसीह का वास्ता तेनू मैनू खैरात दे, 5 मरतबा इस हजरत ईसा का नाम लिया क्योंकि जानता ही कि मैं मजहब ईसाई नाल तलक रखदा, तो हजरत ईसा का नाम लैके इस मेरे को 5 मरतबा खैरात मंगी और मैं इग्नोर कर दिता है, नजरअंदाज किया, मैं नहीं दिती। तो जो ये मुड़िया ना वापस ना उम्मीद होके तो मेरे जेहन च शरारत आई, मैं वेंदे हुए फकीर नू वापस आवाज दे के अपने कोल बुला के तो मैं उन्होंने आख्या मेरे को हजरत ईसा के नाम से खैरात मंगण आ लिया, सुबह तो लैके शाम तक जितने पैसे कासे दे विच जमा किते नहीं, मैं तेरे मुहम्मद दे नाँ ते मंगना तू मैनू दे दे। अल्लाह मैं बस इतनी गल कीती है, आदा मेरे मुंह विचों ये गल निकली ते अगले लम्हे मैं हैरान हो गया
कि इस फकीर दी अखां विचों आंसू आ गए। कासा उस गल चो कढ़िया ते मेरे पैरां च दे मारिया, कासा त्रुट गया, सिक्के जमीन ते बिखर गए, ते रो के आखण लगा ईसाई रह गए, मेरी मुहब्बत की कदर नहीं आ कीती, मेरे आका दे नाम ते सवाल कीता ते चंद टक्कियां दा कीता, मेरी जान मंगिया, मैं जान भी देवण वास्ते तैयार हो जावा, तेनू पता नहीं मुसलमान अपने नबी नाल कितना प्यार करदे ने। खाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, कसम खुदा दी मैकू प्यारा लगने, ओ मेडे बाबल वीरन मां तो गोल गता, मैं सब खेश कबीला एक तैं सोने देना तो, अखी दे विच वसे हर दम ते ना लवे असाड़े हाथों, यार फरीदा मैं कदे दूर न थी सा, ओ तेडी जुल्फ दी ठंडड़ी छाद। मुसलमानों साढ़े दिल जख्मी हैं, अल्लाह की कसम है लोगों, उम्मत जियो जाए बदबख्त पैदा हो गए कि जिन्होंने अपने लीडर की तोहीन ते ता गुस्सा आंदा है, टीवी चैनलों ते बह के पार्लीमेंट के इजलास च बैठ के, अगर मुसलमानों किसी की सियासी पार्टी के रहनुमा के बारे में कोई दूसरा रुकन दूजी पार्टी का बंदा गल करे तो पार्लीमेंट च तहजीब दिया सारिया हदां क्रास कर जावे, इन्हां नूं जबान ते कंट्रोल ना रवे, कोई इमरान के बारे में बोले तो इन्हां दी गैरत फड़क जावे, रग गैरत वाली, ना जबान ते कंट्रोल रवे ना हत्था ते कंट्रोल रवे, अगर कोई नवाज शरीफ दे बारे विच बोले तो ये तहजीब दिया हदा क्रास कर जावेन, ते जदा हजूर दी इज्जत ते हमला होवे, ते जे कोई नबी पाक दी इज्जत वास्ते आवाज उठाए तो इंतहा पसंदी दे ताने देवना शुरू कर देवेन। मालूम होया लोगो, ईमान दी लज्जत नसीब ही कोई नहीं, जे नसीब होंदी तो मुड़ ये अकीदा होया, कसम खुदा दी मैकू प्यारा लगने, ओ मेडे बाबल वीरन मां तो गोल गता, मैं सब खेश कबीला एक तैं दिल भर देना तू, अखी दे विच वसे हर दम ते ना लवे असाड़े हाथों, यार फरीदा मैं कदे दूर न थी सा, ओ तेडी जुल्फ दी ठंडड़ी छा। प्रिंसिपल आदे मेरे कदमा तलों जमीन निकल गई, मैं शर्मशार होके खलोता, दिल करे जमीन फट जाए ते मैं गर्क हो जावा, मैं हजरत ईसा दा नाम लेना, अपने आप नू उन्हां दी तरफ मनसूब करदा, मैं पीएचडी सकालर जिदी तरफ मैं अपनी निस्बत जोड़दा, मैं उस जात वास्ते चंद टक्के देवा देवण दा रवादार नहीं। ए फकीरे ना किसे मदरसे विच गया है, ना किसे कॉलेज विच गया है, ना यूनिवर्सिटी विच,
मंगण वाले ते अपने नबी वास्ते जवानी लुटाण वास्ते तैयार है। ये कहंदे मेरे दिल गवाही दित्ती जिस मजहब दे लोग अपने आका नाल इतना प्यार करदे ने ओ झूठा नहीं ओ मजहब सच्चा है। लेकिन पता है बात की है, इको खून साई वखो वख नसीब कई गुस्ताख बन गए कई बन गए अदीब कई हबशी ते करनी ओ बन गए खतीब कई रुल रुल के मर गए कई रले गए सम नसीबा दी बाजी मुकद्दर दे कम। मेरे दोस्तों मुजरमां दियां दो किस्मां होंदियां ने, मुजरिम जिहड़े होंदे ना मुजरिम उन्हां दियां दो किस्मां होंदियां ने। एक मुजरिम ओह होंदे ने मुल्क च रहण वाले साडे मुल्क दे शहरी, लेकिन हुसन मुजरिम मुलजिम मुजरिम हुसन। एक किस्म ओह सी कि जिन्हां कोल कोई मुआशरती बुराई हो जासी, चोरी हो गई, कहण नाल लड़ाई कर ली, किसे दा नाल कब्जा कर लिया, कानून हरकत च आया, बंदा पकड़ी गया या मालका माफ कर दिता, पंचायत हो गई, पंचायत च उस माफी च मंगी, लोग माफ कर दिता, अदालत च केस गया, उस सजा च दी सजा भुगत के बाहर आ गया माफ। जिसने वापस आ गया ना तो कानून के आदे, वो आदे तू साडे मुल्क दा शहरी है, तू रह इंसान बन, ये जुर्म छोड़ दे, बाइज्जत शहरी है तू रह, जिमें दूसरिया के माल जान की असा तहफुज करे सू तेरा भी तहफुज करे सू। ना मुल्क बदर करे सन, ना शहर बदर करे सन, ना कौम बदर करे सन, अचन तू रह, तू साडे मुल्क कसूर हो गया, गलती हो जाती है बंदे को रह तू। लेकिन दूसरा मुजरिम कौन है, दूसरा मुजरिम है इथाऊ का होवे, साडे मुल्क का होवे, साडे किसे इलाके का, बड़ा मुहज्जब होवे, पढ़ा लिखा होवे, ग्रेजुएट होवे, एमए होवे, नमाजी भी होवे, मुत्तकी भी होवे, लेकिन कैदाबाद दे चौक च खलो के पाकिस्तान नू गाली बके, मुल्क नू गाली देवे। मैं तुहाडे कोल सवाल करे ना, इतने हजरात बैठे हो, समझदार बंदे बैठे हो, मुजरिम पहला वड्डा है या दूजा वड्डा है, बोलो। हालांकि दूजा नमाजी भी है, मुआशरती बुराई उहदे विच कोई नहीं, वह बिल्कुल ठीक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, पढ़ा लिखा भी है, बी ए एम ए ग्रेजुएशन की थी, एम ए की तो है, पी एच डी है, लेकिन मुजरिम फिर भी दूसरा वड्डा है। क्यों? कि जिस मुल्क दे साए परवान पे चढ़दा है, पलदा पे जिस मुल्क दे अंदर रह के, जदा उस मुल्क दे वजूद दा दुश्मन है, तो यह मतलब है बागी है। तो मुजरिम दो तरह के होंगे, एक सिर्फ गुनाहगार होंगे, दूसरा बागी होंगे। गुनाहगार नू माफी है, बागी नू माफी। मुसलमानों इसे तरह दीन दे विच भी दो तरह के मुजरिम है, एक साडे वर्गे ऐबी गुनाहगार, खता हो गई, कमियां कुताइयां पाइयां जांदियां, माफी मिल जासी, दूजे ने रसूलुल्लाह दे बागी। समझ आ रही है ना, गैरां दे टुकड़ियां ते पल के अपने आका दी इज्जत और नामूस दियां सौदेबाजियां करन वाले, खुदा दी कसम है आलो असाबे नबी रसूलुल्लाह दी इज्जत और मकाम दे दुश्मन ए बागीन, ते जिस तरह मुल्क दे बागियां नू माफी कोई नहीं, इसे तरह दीन और मजहब दे बागियां नू भी माफी कोई नहीं। इमाम अहमद रजा दिन बद हैं मगर उन्हीं के हैं बागी नहीं, बद हैं भावे गुनाहगार हैं लेकिन हैं तो सोने दे ना, बागी नहीं है असां हुजूर दे। समझ आई ना, वो बाबा गुरु नानक आई ना सिखां दा पेशवा, वो आदा मैं एक बारी वन्या पिया हिंदुस्तान सफर पिया करां, तो मैं वेख्या भाई एक दरख्त नू अग लगी, गल समझावण वास्ते हुंदी है, बाबे गुरु नानक दी सवाने आयात च मैं पढ़ी, वो आदा मैं वन्या पिया तो वो जनाब दरख्त नू अग लगी तो उत्ते परिंदियां दा जोड़ा बैठा हो, वो आदा मैं कोलू गुजरिया तो मैं वेख्या भाई ये उड़ते क्यों नहीं, जदा पारी इन्हां दे सलामत
आग में चिड़ती रही थे, ये तो मर जा सिन, जल जा सिन। वादा जदा मैं वेख्या ना भाई ये नहीं उठते पे, तो आग इन्हें बिल्कुल करीब है, तो वादा मैं पूर्वी जबान च ना गुरु नानक आदा मैं उन्होंने परिंदा के जोड़े नु आख्या, आग लगी इस बिरछ को और जलने लगे इसके पात। बिरछ आ दिन पूर्वी विच दरख्त नु आग लगी इस बिरछ को और जलने लगे इसके पात। आग लगी इस बिरछ को और जलने लगे इसके पात। तुम क्यों ना उड़ो पंखुओं जब पंख तुम्हारे पास। जदों पर भी सलामत हैं तुसी क्यों नहीं उड़ते। गुरु नानक कहिंदा उन्हां परिंदियां ने मैनू अपनी जबाने हाल जवाब दिता, ओ गुरु नानका तू बड़ा तना है, बड़ा अकलमंद है, लेकिन आज तेरी तनाई साडे सामने ना आई। उड़न दे मशवरे पिया देना है, सोना सा क्यों नहीं उड़ते। फल खाया इस बिरछ का, फल खाया इस बिरछ का और लिपड़े इसके पामे एदा फल खान लगे हैं, इन्हें अपना फल खा के सानू जवान दे के जवान कीता, फल खवा के जवान कीता। गर्मी सर्दी विच इन्हें बना दिती है, हर औखे सौखे वेले साडे कम आया। अज इहदे ते औखा वक्त आया ते असी इहनू छोड़ के नस जाइए। फल खाया इस बिरछ का और लिपड़े इसके पात। फल भी खांदे रहे ते विठा करके दे पत्तर भी खराब करते रहे। इन्हें कदे नहीं उड़ाया, इन्हें कदे नहीं आख्या उड़ जाओ। फल भी मेरा खांदे हो, विठा भी मेरे ते करदे हो। फल खाया इस बिरछ का और लिपड़े इसके पात। तवज्जो, फल खाया इस बिरछ का और लिपड़े इसके पात। बट हमारा जीवना जो ना मरिए इसके साथ। हाँ, साडा की आ जीवने जो अज इहदे ते औखा वक्त आया ते असी छोड़ के नस जाइए। पूरी जिंदगी असी कमली वाले दे टुकड़ियां ते पलदे, एवें है कि नहीं। सदका मुहम्मद करीम अलैहि सलातो वसलाम दा खांदे पए हैं ते हजूर दी इज्जत और नामूस दा मसला होवे ते मुसलमानों मुसलमान नू कावड़ ही ना चढ़े, मुसलमान दी गैरत ही ना जागे, मुसलमान नू कुछ होवे ही ना, वो कई मुसलमानी, वो केड़ी मुसलमानी, उस नू केड़ी मुसलमानी दा दर्जा देंदे हो मुसलमानों, कोई मुसलमानी नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयद बैठे, मैं इतने तफसीर रूहुल बयान शरीफ विच एक गल करा, जेड़े हजूर दे टुकड़े खांदे ना ते उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत और शान दे वास्ते और हजूर दी औलाद वास्ते और हजूर दे असाब वास्ते किस तरह अपनियां जाना दियां बाजियां लैंदे। इमाम याकूब इबन सुकैत रदी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा मुतवक्किल अल्लाह दा दौर, इमाम याकूब इबन सुकैत उहदे दरबार च बैठे, सदात नाल बुगज रखदा ही है खलीफा, ते उस वक्त दे बहुत बड़े आलम ते इमाम इबन सुकैत रहमतुल्लाह अलैह कुनियत आई आप दी। आप बैठे ते खलीफे ने ना हाथ तलवार पकड़ के ते अलामा इमाम याकूब इबन सुकैत नूं फरमाया, मेरे एक सवाल दा जवाब दे। उसका हुक्म कर, उसका ये दस, मेरे पुत्र अफजल या मौला अली दे बेटे इमाम हसन हुसैन अफजल। उन्होंने उहदे पुत्रां दा नां आई मुअय्यद ते मोतज। मेरे पुत्र मुअय्यद ते मोतज अफजल या इमाम हसन हुसैन अफजल। ते तलवार नूं हाथ मार के आखण लगा, जवाब मेरे तैवर वेख के देवे, मेरा चेहरा वेख के, मेरे तैवर वेख के मैनूं जवाब देवे। इमाम याकूब इबन सुकैत रहमतुल्लाह अलैह ने डिठा, भरया होया दरबार आई, तवज्जो करिए, वेख के ना
ते याकूब इब्न सुकैत रहमतुल्लाह अलैह ने आख्या सवाल दोहरा दोबारा कर। हो सका मेरे पुत्र अफजल है या मौला हसन ते मौला हुसैन अफजल है। वो खड़ा होया दरबार है। हो सका तू ते ठीक है बनू हाशिम नाल तेरा तल्लक है हाशमी है ते तू गल कर दे ना अपने पुत्रां नू इमाम हसन हुसैन तू भाई वो अफजल है या वो अफजल है। मौला अली दे गुलाम कंबर नू जानना है। मौला कायनात दे गुलाम कंबर नू जानना है। हो सका हाँ हो सका तू ते तेरे पुत्र कंबर दे जुतियां च बाण दे लैक नहीं। अली ता बड़ी वड्डी शान वाला है। हसन हुसैन दा ता बड़ा वड्डा मकाम। मुसलमानों खलीफा गबगोला हो गया। उस आख्या किवें जवाब दिता ही तेनू पता नहीं। इस जवाब की कीमत तेरी जिंदगी है। एक मौका पिया देना बदल मन चेंज कर जवाब तेरे टुकड़े कर देंगा। उस आख्या गल सुनो बादशाह जितने मर्जी आवी टुकड़े कर लेकिन जे तू आखे भाई मेरे पुत्र तेरे पुत्र हसनैन दे मुकाबले च मैं ले आवा मैं कहना है मेरा दोबारा यो जवाब ई कंबर दियां जुतियां ते तेरे पुत्र मैं इन्हां नूं ही बराबरी नहीं देंदा। तलवार आप चला के सर कलम कर दी तुस पर मुसलमानों इतना तो पता चल गया जो देखी हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया। अकबर इलाहाबादी दा शेर है। जो देखी हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। इमाम फखरुद्दीन राजी ने ना जी तफसीर कबीर शरीफ विच पहले पारे दे विच वाइज़ काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा दे तात लिखे है कि जिसले हजरत यूसुफ अलैहि सलाम मिस्र दे बादशाह बन गए ना ते अल्लाह फरमाया अल्लाह दी बारगाह अर्ज की थी मेरा वजीर भी मैनू मालिक तू अता कर। अल्लाह फरमाया मिस्र दे जंगलां च एक गरीब लक्कड़ आ रहा है लकड़ियां चुनदा है वह तेरा वजीर बनावना है उदी फला फला निशानियां वांज उन्हों पकड़िया ते अपना वजीर बना। हजरत यूसुफ गए तो अपने काम में लगा होया या अपने बाँ पकड़ी उस जिठा हुसन ते एक करी ता जमीन ते डै पे कौन साईं फरमाया मैं यूसुफ अलैह सलाम हाँ चल अल्लाह ने मैनू तैनू मेरा वजीर बनाया मैं तेनू लवण आया। वो पहुँच गए महल तकरीबे हलफ बरदारी हो गई मिस्र दे लोग आख्या साईं पढ़े लिखे लोगों नूं छोड़ के एक अनपढ़ नूं देहात चों जंगलां चों पढ़ के लाए हो इत्थे क्या इंटेलीजेंट कोई ना। जदां यूसुफ अलैह सलाम खलवत च गए ना ते रब दी बारगाह च अर्ज कीती मेरे मौला ये सारा शहर छोड़ के पढ़े लिखे बंदे छुड़ा के एक अनपढ़ नूं बनवाया ही मेरा वजीर उहदी की क्वालिटी है। फरमाया यूसुफ माजी च सफर कर जदां माई जुलैखा तेनू सतवें मकान च लै गई आई ते तेरी इज्जत नू तेरी नामूस नू ते तेरी इसमत नू दागदार करन दी कोशिश कीती आई ते तू दौड़ा आवें ते पिछू माई दौड़ी आई ते जदा मकान पहले दे गेट ते पहुंचे ते अजीज़े मिसर आ गया ते माई ने आख्या उन्हू लै आ जा तेरी इज्जत ते हाथ पाया ते तू आख्या आई मेरे मौला मैं बिरावा खूह च सटे मैनू तकलीफ नहीं होई खोटे दिरमा दे बदले मैं विकिया मैनू एडी तकलीफ नहीं होई मेरा नबूवत दा खानदान है ते अज मेरी चादर इसमत नू दाग लगदा पे है अदालतां वी इन्हां दीआं आपणीआं जज वी आप ते गवाह वी आप मेरा कौन गवाह है ते मैं तैनू आखा यूसुफ ओ जिहड़ा पंगूड़े च बाल है ना इशारा कर वेख
ते तुसी इशारा कीता ते ओ बच्चा गवाही देसी ते ओ बाल पंघूड़े विच उठिया ते उस आख्या इनकान कमीसो कुद्दमिन कोबोलिन फसदकत वहुआ मिन अलकाज़िबीन। अगर कमीज अगों फटी हुई है ते जुलेखा सच्ची है वही नकाना कमी सौ कुत्ता में दोबोरें जे पिछों फटी हुई है फक्का जाबत जुलेखा झूठी है यूसुफ सच्चे न जदा कमीज वेखी गई ते पिछों फटी हुई आई याद है मौला याद है फरमाया जेड़ा वजीर बनाया है वो गवाही देने वाला बच्चा ही मेरे नबियां दी इज्जत वास्ते गवाही देवन वाला जंगला में लकड़ियां चुड़े मैं अल्लाह नू गवारा नहीं। इख्तलाफ ता होंदे रहंदे मुसलमानों इमाम राजी याद जे हजरत यूसुफ दी इज्जत दे पहरेदार दा ए मकाम है ता कमली वाले दी नामूस दे चौकीदारां दा के मकाम होएगा। या नबी या नबी फजूल तो की मकाम होएगा इमाम अहमद रज़ा बरेलवी दा की मकाम होएगा मेरे गजालिए जमा दा की मकाम होएगा ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी दा जिन्हां दी पूरी जिंदगी तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत विच गुजरी इज्जत मुस्तफा दा दिफा करदे आ। और मुसलमानों अज दे दौर विच भी सीना सपर हो के जड़ा जना खलोता है अल्लाह की कसम है लोगो ये बड़ा औखा मकाम है। हकीकत गल ते मेरे कमली वाले आका दी इज्जत नामूस दा मसला होवे अल्लाह ताला कदे भी अजर जाया करदा ही नहीं। कारी साहब किबला ने एक हुक्म दिता है मैं वो दी तामील करना साढ़े नाल पर जिला व्याड़ी है ये एक बड़ा नामी गिरामी बदमाश है नूरा नाम का ते ओ मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह आउंदे आन सियालकोट आले अबुल हामिद मौलाना मुहम्मद ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोटी रहमतुल्लाह बहुत बड़े जय्यद आलेमान बड़ी खिदमात है उन्होंने मसला के हक वास्ते ते ओ कहंदे ने मेरे को गए व्याड़ी दे बंदे 40 साल पहले की गल आप फरमाइंदे आन मैं मेरी उस वेले जवानी आई गए उन्हें आखा जी जलसे का टाइम दे हजूर की अजमत का जलसा तो मैं टाइम लिखवा के आए तो मैं मतलूबा तारीख न सियालकोटू बैठा बस से व्याड़ी लाहौर तो लाहौरों व्याड़ी तो जो मैं चक पहुँचा तो जलसा कोई ना हो मैं नाराज होया उन्होंने मैं बुला के इतना दूर हूँ जे तुहाडा जलसा कोई ना ही मैं पहले इतला चा करो आ अलामा साहबत ने मैं नाराज होया तो गरीब लोग आन उन्होंने अखें चो आंसू आ गए मैं आख्या रोए क्यों उन्हें आख्या किबला वजह तो पुछ लो आ असा इस चक दे रहे हैशी गरीब मुसलमान है ते जेड़े जनाबे वाला अमीर हैं वह सारे बेईमान कादियानी हैं नंबरदार हैं अमीर हैं रकबे वाले हैं उन्हें त्रै दिन पहले डेरियां ते बुला के आख्या खबरदार अगर तुसा जलसा करवाया असा तुहाडे खिलाफ FIR कटवे सू प्रेशर राइज हो गए असा जलसा मनसूख कर दिता। मौलाना बड़े सियाने आदमी हैं अलामा साहब ने मैं उन्होंने पूछा तुहाडे इलाके का कोई बदमाश होवे जिदे तू लोग डरदे होवे कोई है होर मेरे को राह कोई नहीं अलामा साहब ने उन्होंने आख्या जे अजी नाल आले चाके च वट्टू कौम का एक बंदा है ना नूराए नामी ग्रामी बदमाश है लोग डरते ने वैशा ते इलाके ते दहशा ते मौलाना आदन मैं आख्या चलो दे डेरे अलामा साहब आदन असा गए चार पाइया पईया ने एक चार पाई ते लेटे होया सत अठ बंदे नाल बैठे हो मौलाना साहब आदन मैं चार पाई दे उत्ते वन खलोता बेली उठिया जफ्फी पा के मैनू मिलिया अदब की तुस बह के आखन लगा मौलवी साहब खैर है मेरे डेरे ते मैं सारा किस्सा सुनाया उस आका मेरे लायक हुक्म फरमाया मैं आख्या के करनी है तेरी बदमाशी
जो आज कमली वाले दी अजमत दे कम ना आवे। उठी ते जलसा करवा। अलामा साहब जिवें बीना सुन के सप नहीं उठी जांदे, इवें चार पाई तू उठिया ते अखियां च खून आ गया। आखन लगा मौलाना मैं गुनाकार जरूर हाँ मगर बेगैरत नहीं हाँ, चलो मैं तुहाडे नाल हाँ, मैं वेखा कौन है मेरे हजूर दी अजमत दा जलसा रोकण आला। अगू अगू टुरिया चक दी मस्जिद चा गया। मगरिब दी नमाज दा टाइम आई, लाउड स्पीकर आन करके आखन लगा ओ बदमाशो नूरा बदमाश चक दी मस्जिद दे बूए ते बैठे, आवे कोई माई दलाल जै बाल यतीम करावण। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत आस्थाना आलिया बंदयाल शरीफ, आस्थाना आलिया बंदयाल शरीफ। माशाल्लाह हमारी महफिल की जीनत बने इंतहाई इल्मी अदबी शख्सियत और इल्मी रूहानी खानवादे के चश्मो चराग हजरत किबला अलामा साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब दामद बरकातुहुल आलिया। बस मैं गल मुकामा सही मौलाना फरमान देना आया, उन्हें खड़ो के जनाब लाउड स्पीकर आन करवा के ऐलान किया। उसा कहा है कोई माई दलाल ते आवे जिस बच्चे यतीम करावने ना आवे, जिस जनाबे वाला अंगल दा इशारा किया मैं बाजू कलम कर दे सा, जिस कोई जबान मारी मैं गुद्दी चू जबान खिंच ले सा। बह गया बार हजरत फारूक आजम दी सुन्नत ते अमल किया। मौलाना फरमांदे ने ऐलान हो गए, जलसा बड़ी धूड़ दा होया। अढ़ाई घंटे में खिताब कीता, ओ बार बैठा रहा कुर्सी ते, खिताब मुकम्मल होया, सलाम पढ़िया गया, दुआ हुई, दुआ तू फौरन बाद स्टेज ते आया। मुड़ो सा के लाउड स्पीकर मैक पकड़ के उन्हें आख्या सुन लो मता गरीबां नू तंग करे आए, अगे मैं मरे होया मी मैं हुण जिंदा हो गया वा। अलामा साहब फरमाते मेरे वास्ते तांगा लै आंदो, मैनू बिठा के व्याड़ी अड्डे तू बस ते बिठा के वापस करो हुजूर इजाजत। मैं कहा जी इजाजत। दो महीने गुजरे, दो बंदे मेरे मस्जिद दे विच आए सियालकोट, जुमा शरीफ मेरे पिछू पड़े उन्हें, ते जेले मैं बाहर बैठा तो मुलाकात वास्ते छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई आंदिया मेरे कदमा ते ढह पिया, ते मैनू रो रो के आखे किबला तुसी मेरे मोसे नो, तुसा मेरी जिंदगी बदल दिती है, मैनू जहन्नम दे किनारे तुसा जन्नत पहुंचा दिता। मैं हैरान मोढ़िया तू पकड़ के अलामा साहब अदर मैं उन्हें उठा के आखे यार तू कौन है ते मैं किवें तेरा मोसे ना। उस आखा किबला मैं व्याड़ी आला नूरा आया खलोता वा। आखण लगा जब मैं तुहानू बस से बिठा के वापस आया ना डेरे ते, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के आना झूठ कोई नहीं सच्ची बात है, मैं सिर रखिया चार पाई तो मैनू नींद आ गई। रात दे दो दा टाइम आई, मेरे ख्वाब विच हजूर तशरीफ ले आए और सरकार फरमाया मेरे पुत्रा मेरी इज्जत का पहरा दिता ही, मैं मुहम्मद तेरे ते राजी हो गया। आखो सुबहान अल्लाह उची आवाज ना। मरहबा ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे कलाम ते मैं अपनी गुफ्तगू नू इख्तिताम पजीर करना। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमांदे तेडी रोई दे कंडड़े बेरियां जो कान वसा वन मेरियां ओ मैं तेरिया वे मैं तेरिया रोई जा बना यही देश वतन ओ दिलड़ी ती ते यार सजन कदमू महारा वतन ओ दिल।
दिलड़ी लुटी।